राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका, तो गुजरात टाइटंस को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 के बेहद ही शानदार मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराते हुए पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पॉइंट टेबल में अब कौन सी टीम किस नंबर पर है, साथ ही अब प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए किस टीम को कितने मुकाबले जीतने और कितने प्रतिशत चांस है प्ले ऑफ में पहुँचने के। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ में पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, आप हमें प्रेडिक्शन में अपनी चार टीमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी चार टीमें पहुँच रही है इस बार प्ले ऑफ में, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पॉइंट टेबल को पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल में फिलहाल हम 10वें नंबर की टीम की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। दिल्ली ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 5 मुकाबले हारे हैं। इनके पास फिलहाल 4 पॉइंट है जबकि इनकी नेट रन रेट -0.961 है। दिल्ली कैपिटल के अभी भी 10% चांस है कि टीम में प्ले ऑफ में पहुँच सकती है, क्योंकि 7 में से अब इस टीम को 6 मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। वहीं पर दोस्तों, नंबर 9 पर सनराइज हैदराबाद की टीम मौजूद है, जिसने भी अब तक 7 में से 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 5 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी फिलहाल 4 ही पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.725 है। इस टीम के पास फिलहाल पहुंचने के प्ले ऑफ में चांस है वो है 10% ही, जबकि दोस्तों इस टीम को बचे हुए 7 में से 6 मुकाबले जीतने हैं। वहीं पर दोस्तों, पॉइंट टेबल में फिलहाल नंबर 8 पर मौजूद है मुंबई इंडियंस। मुंबई ने भी अब तक 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 मुकाबले हारे हैं। इनके पास फिलहाल 6 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.620 है। देखा जाए तो इस टीम को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए बचे हुए 7 में से 5 मुकाबले जीतने हैं, लेकिन इनके भी प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस सिर्फ 15% ही है, क्योंकि जिस तरह की टीम ये इस समय प्रदर्शन कर रही है उसे देख कर लग नहीं रहा है कि इस बार मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ की तरफ बढ़ेगी। वहीं पर नंबर 7 टीम की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। केकेआर ने भी 8 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते हैं जबकि 5 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी 6 ही पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.027 है। इस टीम के पास अभी भी 6 मुकाबले बचे हुए हैं, जिनमें से ये टीम अगर 5 मुकाबले जीतती है तो प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है, यानी कि इनके भी 12% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में जा सकती है। वहीं पर नंबर 6 पर फिलहाल पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। पंजाब किंग्स ने भी अब तक 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी फिलहाल 8 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.162 है। इस टीम की बात करें तो अब 7 में से इन्हें 4 मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए, यानी कि इस टीम के 30% चांस है कि ये प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। वहीं पर नंबर 5 पर आरसीबी की टीम मौजूद है। आरसीबी ने भी अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 ही मुकाबले ये टीम हारी है। इनके पास फिलहाल 8 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.139 है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को अपने बचे हुए 6 में से 4 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि इस टीम के अभी भी 35% चांस है कि ये प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी, लेकिन इन्हें जीत के साथ साथ नेट रन रेट पर भी ध्यान देना होगा। वहीं पर अब हम बढ़ते हैं टॉप 4 टीमों की तरफ। तो यहाँ पर नंबर 4 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। एलएसजी ने अब तक 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी 8 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट इनकी +0.547 है, यानी कि इस टीम को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से अब सिर्फ 4 ही मुकाबले जीतने हैं, यानी कि 40% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर जाएगी। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये टीम इस मुकाबले से पहले नंबर 1 पर थी लेकिन अब नंबर 3 पर आ चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स के अब 8 मुकाबलों में से 5 जीत है जबकि 3 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास फिलहाल 10 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट +0.376 है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए बचे हुए 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने हैं। इनकी राह थोड़ी आसान नज़र आ रही है, लेकिन देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के इस समय 90% चांस है कि ये प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी।
वहीं पर दोस्तों नंबर दो टीम की बात करें तो यहाँ पर डिपेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस मौजूद हैं। गुजरात ने अब तक 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 2 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी 10 पॉइंट हो चुके हैं। इनकी नेट रन रेट की बात करें तो फिलहाल +0.580 है, यानी कि इस टीम को बचे हुए 7 में से अब सिर्फ 3 ही मुकाबले जीतने हैं जबकि नेट रन रेट इनकी काफ़ी शानदार है। तो यानी कि गुजरात टाइटंस के 95% चांस है कि टीम प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी, या यूँ कहें कि एक कदम इन्होंने प्ले ऑफ में रख दिया है। वहीं पर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नंबर वन टीम की तरफ। तो यहाँ पर फिलहाल राजस्थान रॉयल्स आज की जीत के बाद नंबर वन पर आ चुकी है पॉइंट टेबल में। राजस्थान ने अब तक 8 मुकाबले खेले जिनमें से 5 जीते हैं जबकि 3 मुकाबले हारे हैं। इनके पास भी 10 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट इनकी +0.939 है जो कि चेन्नई और गुजरात से ज़्यादा है, जिसके चलते 10 पॉइंटों के साथ नंबर वन पर हैं। इन्हें बचे हुए अपने 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने हैं जबकि दोस्तों इनके प्ले ऑफ की चांस की बात करें तो इनका 95% तय है कि ये टीम प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। यानी कि फिलहाल प्ले ऑफ में पहुंचने की रेस में सबसे आगे चेन्नई, गुजरात और राजस्थान रॉयल्स की टीमें हैं जबकि दोस्तों लखनऊ, RCB और पंजाब की टीमें एक जैसी स्थिति पर खड़ी हैं, जहाँ पर उनके पास सिर्फ 2 ही मुकाबलों का मार्जिन बाकी है। 2 मुकाबले हारते ही वो बाहर हो सकती हैं जबकि KKR, मुंबई, सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें पहुंच रही है, हमें अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।